हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके शासनकाल में हुए करोड़ों रुपए के बुढ़ापा पेंशन घोटाले की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी करने वाली है। इस केस में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी कार्रवाई की थी। इसके बाद अब हाईकोर्ट ने शाहबाद निवासी राकेश बैंस की याचिका पर यह मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। हाईकोर्ट के आदेशों पर सीबीआई की जांच शुरू करते ही प्रदेश के कई बड़े अधिकारी निशाने पर आ गए हैं। बता दें कि इस संदर्भ में याचिकाकर्ता राकेश बैंस ने अपने वकील के माध्यम से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर 2017 में एक याचिका दाखिल की थी। इसके बाद सरकार द्वारा सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही एफआईआर दर्ज किए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य में ऐसे लगभग 14,000 मामले सामने आए हैं जहां मृत लोगों के नाम पर पेंशन जारी की जा रही थी, तो इस मामले में दोषियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं याचिकाकर्ता राकेश बैंस ने बताया कि इस घोटाले में नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी शामिल हैं जो मामले को दबाने के लिए उन्हें धमकियां दे रहे हैं, साथ ही उन्हें खरीदने की कोशिश भी की जा रही है। एक बड़ा घोटाला था जिसको उठाकर हमने पहले ब्लॉक स्तर पर उठाया, फिर जिला स्तर पर उठाया और फिर कैग की रिपोर्ट के साथ हम हाईकोर्ट में गए थे। पहला मामला ये था कि मृतक लोगों के नाम पे पेंशन लेते रहे हैं, पॉलिटिशियन लेते रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी भी साथ में सम्मिलित थी। जब हमने इस मामले को उठाया तो पहले दौर पर जिला अधिकारी ने 5 लाख रुपए की रिकवरी की दिखाई। हमने कहा कि जिला अधिकारी मिली हुई है, तो उसके बाद दोबारा एडीसी साहब ने रिपोर्ट करी तो 9,72,000 रुपये की रिकवरी आई। और उसके बाद 4 ऑडिटरों की रिपोर्ट आई जिसमें 13 लाख से अधिक की राशि जो है रिकवर की गई। तो इसमें जब हमने इस मामले के अधिकारियों की दोषियों की बात की तो एडीसी साहब ने बड़ी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जिला अधिकारी मिली हुई है, अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा और जो ऑडिट अधिकारी थे उन्होंने भी कहा, जिसको लेके एक लेटर जारी किया जाता कि आप रिकवरी हो चुकी है, अब इन लोगों के खिलाफ 2 कर्मचारी और 11 MCO के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। परंतु कुछ ही देर बाद जब वो मामला पॉलिटिकल उसमें जाता है तो कुछ ही देर बाद उस मामले को जो है एक अन्य लेटर जारी कर दिया जाता है, उसी थाने में भेज दिया जाता है कि नहीं अब इसके लिए इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं करना, इनको जो है विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिसको लेकर हम हाईकोर्ट में गए और हमने बताया कि देखिए कैग की रिपोर्ट साथ में लगा के हमने बताया कि ये प्रदेश भर में इतना बड़ा घोटाला है जिसमें कैग को भी जो है इसको बिंदुवार लिखना पड़ा। और जब माननीय हाईकोर्ट ने इस बात को सुना और देखा कि रिकवरी हो चुकी है, ये एडीसी साहब ने लिखी हुई रिपोर्ट दिखाई, तो जब उसके बाद जो है मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने जो है इस पर संज्ञान लिया और 2017 से लेके आज तक हम इसमें हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं इस बात को लेके। और अब जो आके जो है माननीय हाईकोर्ट ने सीबीआई को पिछली डेट पे इनको जो है ब्यूरोक्रेसी को लिखा था, विभागीय विभाग को लिखा था कि आप या तो इसके बारे में बताएं कि किसने क्या कार्रवाई की है और कौन इस फाइल को दबा के रखता है, अन्यथा जो है ये फाइल जो है सीबीआई को दे दी जाएगी। आज की सुनाई में ये जो सारी कार्रवाई जब देखा कि अधिकारी दोषी को बचाने में लगे रहे हैं तो कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसे सीबीआई को सौंप दिया और 2 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट मांगी। कितने लोगों के मृत लोग जो पेंशन ले रहे हैं? लाखों लोग। हरियाणा प्रदेश में के अलावा कहाँ कहाँ का मामला है, जैसे कुरुक्षेत्र? नहीं, ये पूरे प्रदेश का मामला है। कैग की रिपोर्ट में पूरे प्रदेश का हवाला दिया गया, जिलेवार दिया गया है और कहाँ कहाँ कितने कितने जो जिस तरह के बचाव रखा गया। अभी मेरे पास एक मामला और भी आया था जो थोड़े दिन पहले कि किसी आदमी को मृत दिखाकर विधवा पेंशन लगा दी जाती है। ऐसे पॉलिटिकल लोग जो अपनी वोट के लिए इस तरह का जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। 2017 हमें ये जो कैद की रिपोर्ट थी 2011 की थी और हम जो है 2015 में इसकी शिकायत की थी और 2017 में जाके हम माननीय हाईकोर्ट में हम चले गए थे और 17 से लेके आज तक जो हाईकोर्ट में इस मामले को बार बार हमने अपनी बात को रखा। तो आपको कई धमकियां भी दी गई, दबाया भी गया कि राकेश जी को वापस ले लें? देखिए पॉलिटिकल लोग जो है आरटीआई कार्यकर्ताओं को दबाते हैं, उनको कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर गुम करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको ब्लैकमेलर कहा जाता है, कहीं ना कहीं इस तरह की जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं उनके द्वारा। पर उसके बावजूद भी ना हम डरे हैं, ना झुके हैं और ना झुकेंगे जब तक जो है दोषियों को सलाखों के पीछे ना भेज लें। लगता था उम्मीद हाईकोर्ट से आखिरकार न्याय मिलेगा, जीत होगी? देखिए माननीय हाईकोर्ट से हमारे जितने भी केस गए हैं और निचले स्तर पे इनको दबाने की कोशिश की गई है, पर जितनी बार भी हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं तो वहाँ से हमें जनता को जो है एक अच्छे फैसले और सुनाई जो है एक अच्छे तरीके से हो जाती है, प्ली को जो सुना जाता है और उनके बाद जितने भी फैसले आए हैं वो कहीं ना कहीं जनता के हक में रहे।
बता दें कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हर कोई बस खुद को बचाने में लगा है, क्योंकि अभी भी घोटाले की कई करोड़ रुपए की रिकवरी होना बाकी है। अभी मामला आगे क्या मोड़ लेता है देखने वाली बात होगी। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, पंजाब केसरी टीवी।